सुनाई ओम शांति। दे। सबसे पहले आज के इस शुभ दिन पर, मदर्स डे के अवसर पर, मैं सभी जगत माताओं को विशेष बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बाबा ने माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखा है इस विश्व कल्याण की सेवा के लिए। 1 मिनट राजू भाई, आप सबको सुनाई देता है जूम पे, हाथ ऊपर करो। हाँ हाँ, ओके, सबको सुनाई दे। ऑलराइट, ओके राजू भाई, ओम शांति। तो वंदे मातरम, सभी माताओं को वंदना करते हुए मैं अपनी बड़ी माँ ब्रह्मा माँ को भी अपने इस संगठन के बीच में आह्वान करता हूँ। बड़ी माँ ने हम सबको अलौकिक जन्म दिया, ज्ञान रत्नों से इतनी ऊंची पालना दी, साथ साथ सरस्वती माँ को उन्होंने निमित्त बनाया इस यज्ञ की संभाल के लिए, यज्ञ की सेवा के लिए। हम सब मात पिता से पलने वाले बच्चे उनके कदम पर कदम रखते हुए इस पुरुषार्थ के मार्ग में सदा आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ने हमें कहा हुआ है कि बच्चे, सी फादर फॉलो फादर, एक को ही देखना, किसी देहधारी आत्माओं को नहीं। तो बाबा के डायरेक्शन अनुसार, उनकी श्रीमत प्रमाण, हम सब बाबा के बच्चे बहुत अच्छी तरह से इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। समय की सूचनाएं तो साकार बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने हम सबको बहुत समय से दी हुई हैं, इसलिए सभी बाबा के बच्चे सदा एवर रेडी हैं। बाबा की आज्ञा मिले और हम सब बाबा के साथ वतन में उड़ के चलें। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे, परिस्थितियों को देख करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्वस्थिति बना करके रहो जो स्वस्थिति के आधार से परिस्थितियां अपने आप समाप्त हो जाएं, परिवर्तन हो जाएं। वैसे भी ये दोनों शब्द ही अर्थ लिए हुए हैं। हिंदी में जब हम स्वस्थिति कहते हैं तो स्वस्थिति माना आत्मा की स्थिति, स्व माना मैं, आत्मा हूँ, और आत्मिक स्थिति में रहना ही स्वस्थिति कहलाता है। और परिस्थिति जब हम कहते हैं तो परिस्थिति पर द्वारा, दूसरों के द्वारा जो बातें आती हैं, चाहे वो प्रकृति के द्वारा आ रही हैं, चाहे वो व्यक्तियों के द्वारा आ रही हैं, उनके द्वारा आई हुई परिस्थितियों को पार करने के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे, अपनी स्वस्थिति में स्थित रहो। तो मैं समझता हूँ स्वस्थिति को बनाने के लिए रोज बाबा के महावाक्य हम सब सुन रहे हैं, अच्छा योग अभ्यास कर रहे हैं। हर एक का बहुत अपने ऊपर ध्यान है, क्योंकि वर्तमान समय हम सबको एक स्थान पर बैठने के लिए, घरों में रहने के लिए डायरेक्शंस मिले हैं, और सब एक स्थान पर बैठ करके अपने समय, संकल्प, श्वास, सब कुछ सफल कर रहे हैं। यही समय है जब हम अपनी अच्छे से अच्छी ऊंची ऊंची स्थिति बना सकते हैं। वैसे भी स्टूडेंट लाइफ के अंदर जब कोई बड़ा पेपर आने वाला होता है तो उसके पहले स्टूडेंट्स को कहा जाता है, तुम अपने घरों में बैठ करके अच्छी स्टडी करो, अच्छी तैयारी एक कर लो। मिनट राजू भाई, सॉरी, जस्ट द ट्रांसलेशन अभी थोड़ा नहीं हो रहा है, एक कुछ मिनट है। ओके राजू भाई, कंटिन्यू। ठीक ठीक हो गया। तो हम सबको बाबा ने ये जो समय दिया है, मैं समझता हूँ आप सभी बाबा की मुरलियों की बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर रहे होंगे,
साथ साथ अपनी शक्तिशाली पावरफुल योग की स्थिति में भी स्थित होने का अनुभव और अभ्यास कर रहे होंगे। हर एक ब्राह्मण आत्मा का रोज की मुरली पर भी जब ध्यान जाता है तो बाबा ने जैसे बहुत पहले से इस समय के लिए हम सबको तैयार किया। आज के दिन हम सब 24 वर्ष पहले 86 के महावाक्य सुन रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे बाबा अपने बच्चों को इस समय के लिए तैयार कर रहे हैं। बच्चे, वो समय आएगा जब प्रकृति की खोज करने वाले थक जाएंगे। आज देखो, एक कोरोना वायरस के अभी तक भी कोई भी दवाई नहीं निकाल पाए हैं। कितने साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कितनी रिसर्च कर रहे हैं, कितनी खोज हो रही है। और बाबा ने कहा था, बच्चे जब वो खोज करते करते थक जाएंगे तो उनकी नज़र आपकी तरफ जाएगी। आप बच्चे इस धरती के चैतन्य रूहानी सितारे हो और आपके अंदर जो शांति की शक्ति है, शांति की सांस चल रही है, सुख की सांस चल रही है, इसके जो वाइब्रेशन फैल रहे हैं उससे लोगों को ये लगेगा कि ये शक्ति, ये शांति, ये सुख की किरणें कहाँ से आ रही हैं। खोजेंगे, रिसर्च करेंगे और ढूंढते ढूंढते आपके पास पहुँचेंगे। तो अब वो समय समीप दिखाई दे रहा है कि सभी की नज़रें जाएंगी आध्यात्मिक शक्ति की ओर। हम सबको बाबा ने इन शक्तियों से पहले से ही संपन्न बनाया है। सभी बाबा के बच्चे, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, हर एक का ध्यान है कि मुझे इस कलयुग के अति के वातावरण में ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है जो हम सहज रीति से इस अंतकाल के दृश्यों का सामना कर सकें। मैं समझता हूँ आप सभी बाबा के बच्चे इस अंतिम पेपर में पास होने के लिए अपने पास सर्व शक्तियों का बहुत अच्छा स्टॉक जमा कर रहे हैं। ये जमा करने का समय आ गया है। 3 खाते जमा करने के इशारे बाबा ने हम सबको समय पर समय दिए। एक कहते हैं, बच्चे ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करो जो आपकी प्रारब्ध अच्छे से अच्छी बन जाए। और वो गुप्त पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ शब्द में ही पुरुषार्थ समाया हुआ है, मैं पुरुष आत्मा इस रथ पर विराजमान हूँ। ये इतना अच्छा पुरुषार्थ है जो पुरुषार्थी आत्माएं अच्छी प्रारब्ध बनाने चाहती हैं, वो इस पुरुषार्थ के आधार से अपने कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए हम सब पहला यही अभ्यास कर रहे हैं कि हम आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान है। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। जिसने ये पुरुषार्थ कर लिया वो सब कर्म इंद्रियों का मालिक बन जाता है। कोई भी कर्म इंद्री उसे धोखा नहीं देती। हम सबको 8 सहयोगी मिले हैं। आत्मा को हर एक आत्मा के साथ 8 सहयोगी हैं और वो 8ों सहयोगी हमारा कहना माने, बस इतना अभ्यास करके देखो। आत्मा की सबसे पहली शक्ति सहयोग के लिए मन है। चेक करो, क्या मन मेरा कहना मानता है? जहाँ इसको ले जाना चाहूँ, जहाँ पर इसके द्वारा मैं पहुँचना चाहूँ, ये वाहन मेरा ठीक है? इसको शास्त्रों में एक अच्छा शब्द दिया है, अंतर मन वाहन, अंतः वाहक शरीर। मन ही वाहन है और ये वाहन आत्मा का कितना कहना मानता है इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत चंचल है, बहुत भटकने और भटकाने वाला है। और उसके कारण कई हैं, बाबा ने हम सबको बताया है। बच्चे, अगर इसको आप शुद्ध भोजन नहीं दे रहे हो, अच्छा संग नहीं दे रहे हो, अच्छे विचार नहीं है, तो ये मन आपका कहना नहीं मानेगा, चंचल रहेगा। इसलिए पहले मन सहयोगी बने और इस मन की शक्तियों का हम प्रयोग करना सीखें। उसके साथ साथ बुद्धि, जो हमारी निर्णय शक्ति है, वो दिव्य रहे। कोई भी बुद्धि के अंदर किसी भी व्यर्थ बातों का किचड़ा न हो,
कोई के अवगुण कोई की बातें मेरे चित्त पर न हो, बुद्धि में किसी की बातों को ग्रहण नहीं करना, और साथ साथ हमारे संस्कार बड़े दिव्य पवित्र स्वच्छ बनते जाएं। तो ये तीन शक्तियां आत्मा की चैतन्य शक्तियां हैं, और साथ साथ ये पांच कर्मेंद्रियां जो हमारी हर समय सहयोगी हैं, आंख नाक मुख कान हाथ पैर, जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हमें मिली हैं वो बहुत भाग्य से मिली हैं, और ये हमारे सदा सहयोगी बन करके रहें। इसके लिए जैसे बाबा ने शुरू में ही पहले से ही ये दरबार लगाई, हम सब बच्चों को भी कहते हैं बच्चे अपनी दरबार लगाओ, अपने आप को चेक करते चलो कि कोई भी साथी सहयोगी डिस्टर्ब तो नहीं करता है, कहीं भटकता तो नहीं है। तो पहला पुरुषार्थ अगर हमने ये कर लिया तो हम कर्म इंद्रिय जीत बन जाएंगे। जो कर्म इंद्रिय जीत हैं वही विक्रमाजीत बनते हैं, वही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी दादी जी ने ऐसा गहरा पुरुषार्थ किया, हम सब देखते थे जानकी दादी 3-4 साल से बहुत पहले ज्ञान का इतना अच्छा मंथन करके रोज नया खजाना हम सबको देती थी, लेकिन लास्ट 3-4 सालों में बस उन्होंने मैं कौन मेरा कौन ओम शांति के महामंत्र से ही 3 बार कह करके इसका अर्थ बताती रही, और साथ साथ हम सबको अशरीरी बनने की ड्रिल कराती रही। जब भी मैं उनके सामने गया वो यही कहती थी 1 सेकंड पहले बैठो, अशरीरी बनो, बिल्कुल शांत हो जाओ, साइलेंस में जाओ, और साइलेंस में जाने से वो शक्ति अपने आप जमा हो जाती थी। वो कभी भी ये नहीं सोचती थी कि मुझे क्या बोलना है, क्या लिखाना है, क्या कहना है, वो साइलेंस में जाती थी, जैसे बाबा की टचिंग उनको आने लगती थी और वही शब्द वही बोल उनके मुख से निकलने लगते थे। तो ये अशरीरी बनने का अभ्यास जैसे हमारी दादियों ने किया और अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया, ये बहुत ऊंची स्थिति है। हम सब इसका पुरुषार्थ करें तो हमारी प्रारब्ध अपने आप अच्छे से अच्छी बनती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे थर्मामीटर में देता हूँ, तुम्हें विश्व राजन बनना है, महाराजन बनना है, साहूकार प्रजा बनना है, दास दासियां बनना है, खुद ही चेक कर सकते हो। अगर संगम के समय पर हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहते हैं तो ये सब अपने आप, इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, मन जीते जगत जीत बन जाते हैं, माया पर जीत हो जाती और विश्व का राज्य उन आत्माओं को स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसलिए पहला पुरुषार्थ, पहला जमा का खाता है पुरुषार्थ से अच्छी प्रारब्ध बना ली जाए। दूसरा खाता बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो, समय पर एक दूसरे के साथी बनो, सहयोगी बनो, तो आपको सबकी दुआएं मिलेंगी। दुआएं मुझ आत्मा को हर परिस्थिति से पार करने के लिए बहुत मदद करती हैं। मैंने सभी दादियों के साथ रह करके सीखा, अनुभव किया कि उनके सामने भी शारीरिक पेपर आए, कई प्रकार के पेपर्स आते रहे हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को, उन पेपर्स को उन्होंने इस तरह से पार किया। सदा यही कहती मुझे तो बाबा की, परिवार की, आप सब की दुआएं हैं। दुआएं दुआएं कह करके उन्होंने कोई भी बड़ी बात को छोटा बना दिया, कुछ नहीं है, नथिंग न्यू। मैं कई बार सुनाता हूँ ये अनुभव कि दादी को, जब प्रकाशमणि दादी जी को शरीर की बहुत तकलीफ थी, हॉस्पिटल से आई थी, एक दिन बिस्तर पर लेटी थी तो मैं अचानक मिलने के लिए गया तो दादी खड़ी बैठ गई थोड़ा सा और कहती हैं आओ बैठो, मुझे बाजू में बिठाया और कहती हैं बोलो ठीक है सब? तो मैंने कहा दादी ठीक तो सब है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं बहुत दिन से आपके नाम से पत्र लिखता हूँ, अभी आप आए हैं तो मुझे कुछ पत्र लिखाएं। तो दादी ने बहुत टालने की कोशिश की, कहने लगी तुम तो मेरे से बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, तुमको बाबा की दादियों की बहुत दुआएं हैं, तुम लिखते रहो, दादी आपने को छुट्टी दी है। मैंने कहा नहीं दादी, मेरा दिल खाता है, आप कुछ तो बताओ क्या लिखूं मैं, कुछ तो बोलो।
तो बड़ी मुस्कुराते हुए, पहले तो टालती रही, तब तक हमारी गुलजार दादी भी सामने आ गई। ये दोनों दादियों के बीच में मैं अकेला बैठा था और गुलजार दादी बहुत रमणीकता से मुस्कुराते हुए दादी को बोलती हैं, दादी आज क्या रूह रिहान हो रही है? तो दादी कहती हैं कि आज ये मेरे से जिद कर रहा है, कहता है तुम मुझे कुछ लिखाओ लिखाओ। अरे इतना अच्छा लिखता है दादी। तो गुलजार दादी बड़े प्यार से कहती हैं, दादी लिखाना तो आपको चाहिए, कुछ लिखाना चाहिए। तो दादी चुप हो गई, फिर लिखाती है, लिखो अच्छा। मैंने हाथ में एक पेंसिल थी, मेरे कागज था, मैंने क्या लिखा? दादी कहती है लिखो, दादी 100% ओके है। मैंने कहा दादी ये शब्द मैं नहीं लिखूंगा, 100% ओके अगर मैंने लिखा तो लोग तो कहेंगे बिल्कुल झूठा लिखा है, दादी अभी हॉस्पिटल से आई है, बिस्तर पर हैं, ऑक्सीजन भी लगी हुई है, और मैं कैसे लिखूं आप 100% ओके हैं? तो मेरी तरफ ऐसे देख करके कहती है, मुझे क्या हुआ है, मेरे कोई तकलीफ है क्या, मुझे कोई दर्द है क्या? ऐसे बोल करके कहती है, अरे ये तो डॉक्टरों का हिसाब किताब है, ये तो उनका चक्कर है, 19-20 शरीर को तो होता है, मैं तो 100% ओके हूँ। अरे बाबा की दुआएं हैं, इतने बड़े परिवार की दुआएं हैं, मुझे कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लिख दो तुम 100% दादी ओके। मैं चुप हो गया। फिर मैंने कहा और क्या लिखूं? ऐसे 2-3 शब्द लिखा है, कहती है लिखो, दादी आपको इतनी बड़ी बड़ी भाकी पहन करके बहुत प्यार कर रही है। मैंने लिखने लगा तो कहती रुक जाओ रुको, मैं कैसे प्यार करूंगी, प्यार तो बाबा करेगा, बाबा कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। गुलजार दादी कहती है, गुल बताओ ये शब्द लिखना चाहिए? तो गुलजार दादी कहती, दादी अरे आप नहीं लिखोगी तो कौन लिखेगा, बाबा की जगह पर तो आप बैठी हैं। अच्छा अच्छा लिख दो लिख दो। ऐसे 5-6 लाइनें लिखाई और फिर कहती अभी तुम इसको बढ़ा करके अच्छी तरह से अपनी तरफ से लिख देना। ऐसे बहुत सारे रमणीक दृश्य हमने दादियों के सामने लिखने के लिए जब पत्र के लिए जाता था देखता था कि कैसे दादियां एकदम इस देह से डिटैच हैं, कोई भी कर्म भोगना की भोगना नहीं थी, आकर्षण नहीं था, उन्होंने प्रकृति को जीता हुआ था, प्रकृति जीत थी, इसलिए कैसे बनी, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ली, सारे परिवार की दुआएं जमा कर ली। एक तरफ बाबा की दुआएं तो इन बड़ों के ऊपर है ही, छत्र छाया के रूप में है, लेकिन इतने बड़े परिवार की जिन आत्माओं को दुआएं, आज देखो गुलजार दादी भले एक स्थान पर बैठी हैं, तपस्वी मूर्त बन करके बैठी हैं, इतने ब्राह्मण परिवार की पालना उनकी सकाश से हो रही है, उनको कोई फीलिंग है दुख की, दर्द की, तकलीफ की? कुछ नहीं, एकदम न्यारी प्यारी। कोई भी बात जब हम फोन करके पूछते हैं, कहते हैं हाँ दादी, कहती है ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो हम सब देखें कि हमारी दादियों ने कैसे अपनी स्थिति को सबकी दुआओं से इतना ऊंचा बनाया। साथ साथ तीसरा जो खाता है, जो बाबा कहते हैं पुण्य का खाता, हमारा जमा होना चाहिए, क्योंकि पुण्य की पूंजी हमारे साथ साथ चलती है, जाती है। अगले जन्म में और कुछ तो हम साथ नहीं ले जाएंगे, वो सब चीजें साधन जो हमने एकत्रित किए हैं, इकट्ठे किए हैं, वो तो सब यहीं छूट जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने बहुत गुप्त सेवाएं की हैं, गुप्त सहयोग दिया है, बाबा के यज्ञ के अंदर अपना तन लगाया है, मन लगाया है, धन लगाया है, समय दिया है, जो जिसकी विशेषता है, मैं समझता हूँ सब बाबा के बच्चे बहुत अच्छे स्नेही हैं, सहयोगी हैं, और बाबा चाहता है ये सब मेरे बच्चे अभी यज्ञ रक्षक बन जाएं। यज्ञ रक्षक बनने के लिए हम सबको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। स्नेही सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत विस्तार है उसका, और उसके आधार से यज्ञ की इतनी वृद्धि और इतना विस्तार हुआ है, लेकिन यज्ञ रक्षक बनने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से पहले स्व की रक्षा करनी है। हर एक ध्यान देना, कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हों, कितने अच्छे साधन हों, सुविधाएं हों, बड़ी फैमिली हो, आज कौन किसकी रक्षा कर रहा है? देखो एक वायरस ने कितना लोगों को अलग कर दिया है, कोई अपना ही नहीं रहा,
जब किसी को पता चलता है इसको हो गया है, पॉजिटिव आ गया है, तो उसके परिवार वाले सब दूर हो जाते हैं, सबके सब दूर, कोई देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, पूछता भी नहीं। ऐसी विकट परिस्थिति आई है। हम सब स्वरक्षक खुद बने, और उसके लिए आवश्यक है श्रेष्ठ स्वचिंतन की। अब मैं आता हूँ पुण्य की पूंजी के लिए, बहुत गुप्त पुरुषार्थ करके ऐसा सेवा की जाए, ऐसा सहयोगी बना जाए, यज्ञ रक्षक बना जाए, जो बाबा का ऐसा हाथ हमारे सिर पर रहे जो पुण्य की पूंजी जमा हो जाए। तो ये तीन खाते तो फुल करना ही, लेकिन यज्ञ रक्षक बनने के लिए हम सबको स्वरक्षक बनना है। पहले हम खुद की खुद रक्षा करें। बाबा कई बार मुरली में एक शब्द कहते हैं, गीता के ही शब्द हैं, आत्मा अपना ही मित्र है, आत्मा अपना ही शत्रु है। सचमुच अगर हम अपने साथ मित्रता करना सीख जाएं, मित्रता यही है, हम अपने प्रति सबके प्रति बहुत शुभ चिंतन करें, अच्छे अच्छे विचार करें, सकारात्मक चिंतन करें, उस चिंतन से कोई भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगी। आज जो भय का वातावरण है, कई बार भय का भूत होता है और उसके कारण कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। ये कोई भूल से भी कह दे कि आपको पॉजिटिव हो गया तो कईयों को तो हार्ट अटैक हो जाता है, ये भय के कारण हो रहा है। हम सबको बाबा ने निर्भय बनाया है, अकाल तख्त पर बिठाया है। बाबा कहते हैं, आप मेरे बच्चे महाकाल के बच्चे काल पर भी विजय प्राप्त करने वाले हो। तो क्या मैंने स्व की रक्षा के लिए अपने समय को, अपने संकल्पों को, अपनी श्वासों को बचाया है? कहीं पर भी ये व्यर्थ न जाएं, इस पर फुल अटेंशन की जरूरत है। समय अनुसार हम सब चेक करें, क्या हम स्वयं स्वयं की रक्षा कर सकते हैं? और इसके लिए बहुत अच्छी विधि है, कोई अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, जो आज बाबा ने कहा आत्मा एक सितारा है, और इस सितारे को, होली सितारे को जब हम देखते हैं तो चारों ओर बहुत सुंदर पवित्रता का एक आभा मंडल क्रिएट होता है। जो आत्मा जितने शुद्ध सकारात्मक अच्छे विचार करती है, उसका जो ओरा है, उसका जो प्रभा मंडल आभा मंडल है, वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। हमारे पास जो रिसर्च यहाँ हो रही है, जो हॉस्पिटल्स के द्वारा डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं, बंद आर्टरीज को योग के प्रयोग से खुलवा रहे हैं, उसके पीछे एक लॉजिक है, सिद्धांत बना हुआ है। कोई भी बीमारी का प्रवेश डायरेक्ट शरीर के अंदर नहीं होता, उसके साथ जो सूक्ष्म शरीर है वो खंडित होता है पहले, उसके अंदर कुछ ब्लॉकेज आती हैं, उसकी नेगेटिविटी कई प्रकार की बीमारियों का आवाहन करती है। इसलिए हम सब जितना अपने स्वधर्म में स्थित रहेंगे, जितना आत्मा के सातों गुणों का हम अच्छा अनुभव करेंगे, उतना हमारा आभा मंडल बहुत अच्छा बन जाएगा, सूक्ष्म शरीर का बहुत अच्छा निर्माण होगा। और उस सूक्ष्म शरीर के साथ अगर हम चलेंगे, उठेंगे, कर्म करेंगे, कहीं भी जाएंगे, तो चाहे इस वायुमंडल में कोई भटकती हुई आत्माएं हैं, चाहे ये वायरस हैं, चाहे किसी भी प्रकार कोई जीवाणु कीटाणु या कोई भी है, आत्मा पर उसका अटैक नहीं हो सकता, प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है हम सब पहले स्वरक्षक बने, और स्वरक्षक बनने के लिए आप सभी बाबा की मुरलियों की स्टडी करते हैं, बहुत अच्छा सबका ध्यान है हर ब्राह्मण आत्मा का। और मुझे तो ये भी समाचार मिलता है, वैसे भी मैं कई बार जब विदेश जाता हूँ, देखता हूँ, तो क्लास में सामने 5-6 लोग बैठे होते हैं। एक बार मैं डायलॉस में क्लास करा रहा था, हमारे सामने 5-6 लोग बैठे थे, तो हमारी बहन, जो हमारी रंजन बहन निमित्त थी, वो कहती है आपको 150 लोग सुन रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट हैं सभी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमने 150 लोग हमारे से कनेक्ट हैं, सामने तो 4-5 लोग हैं। कहती है ऑनलाइन सभी सुनते हैं, क्योंकि सब विदेश के अंदर, और विशेष अमेरिका के अंदर तो कितनी कितनी दूर सब रहते हैं, कहाँ से पहुँचेंगे रोज, तो ऑनलाइन की बड़ी अच्छी सुविधा थी। और ड्रामा अनुसार
सारे विश्व के अंदर ऑनलाइन ही सेवाएं अभी चल रही हैं, तो इसलिए ऑनलाइन तो अभी मुरली की आदत सबकी पड़ी हुई है और बहुत अच्छी तरह से अपने अपने स्थान पर रहते हुए आप सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा की मुरलियां सुन रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है लॉकडाउन पूरा होगा और आप अपने ड्यूटी पर जाएंगे उसके बाद फिर कहेंगे क्या करूं दीदी अभी तो ऑनलाइन सुनने का समय ही नहीं है। कुछ भी हो, आप सब इतना अपने आप को पक्का करो कि हम सबको स्वरक्षक बनने के लिए सवेरे सवेरे बाबा की मुरली को अच्छी तरह से स्टडी करना है, सुनना है, पढ़ना और सुनना है। अंदर अंदर सात्विक विचार, श्रेष्ठ विचारों की रचना के लिए बाबा की मुरलियां ही सबसे अच्छा माध्यम है। और जिस आत्मा ने इसका गहरा पुरुषार्थ कर लिया, मुझे तो इसके बहुत अच्छे अनुभव हैं, बहुत सारी बातों से हम मुक्त हैं, मुझे पता ही नहीं क्या दुनिया में हो रहा है, क्योंकि ज्ञान रत्नों से खेलना, ज्ञान रत्नों का चिंतन करना, मनन करना, उसी में रमण करना, बड़ा मजा आता है। कोई व्यर्थ बातें आती नहीं है, व्यर्थ बातों के समाचार बुद्धि में जाते ही नहीं। तो आप सभी सदा के लिए संकल्प लो कि बाबा की मुरली किसी दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए, दृढ़ता के साथ, क्योंकि ये हमारी स्वर रक्षा का कवच है। बाबा सवेरे सवेरे पहना देता है, जैसे हम सब अमृत वेले के लिए ध्यान देते हैं कि अमृत वेले हम उठेंगे, बाबा से शक्ति लेंगे, सकास ले लेंगे। बहुत सारे बच्चे नियमित रूप में अमृत वेला करते हैं, चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, कहीं भी है। मैंने देखा है बहुतों का ध्यान इस सब्जेक्ट में है, लेकिन बाबा चाहते हैं जो आज के वरदान में है कि बच्चे ऐसे ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के अनुसार चलते हुए अमृत वेले को महत्व दो, शक्तिशाली बनाओ, अलबेलेपन से नहीं करो, क्योंकि ये अमृत वेला आदि काल है और पूरे दिनचर्या का दिन का आधार है। इसलिए इसके महत्व को जानकर बहुत अलर्ट होकर के तपस्वी मूरत बन करके अपने स्वरूप में बैठो और बाबा की शक्तियां लो, सकास लो, किरणें लो, ऐसे लगे बाबा हमको सवेरे सवेरे सब वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। क्या मेरा भाग्य है जो डायरेक्ट भगवान की पालना हम सबको मिल रही है, डायरेक्ट उनसे मिलन है, कोई थ्रू किसी के हम नहीं जाते, यहाँ बैठते हैं सीधा ही हमें एड्रेस मिली है, हमारा घर कहाँ है, बाबा कहाँ है, कैसे मिलता है, या तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के माध्यम से मिलेगा, या तो निराकारी दुनिया में अपने लाइट माइट स्वरूप में, ज्ञान सूर्य रूप में मिलेगा। सब अभ्यास को अमृत वेला और मुरली क्लास अगर एक्टिव होकर के आप सब करेंगे, बहुत अच्छा ओरा बनता जाएगा, बहुत अच्छे संकल्पों से आप सुरक्षित रहेंगे। सबसे अच्छा स्वरक्षक बनना इसको कहा जाता है। दूसरा है ईश्वरीय मर्यादाएं। हम सब मर्यादाओं को पालन करते हैं और बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे आप सबने शायद सुना होगा रामायण के अंदर एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है, जब सोनी हिरण की जिद की कि मुझे चाहिए, राम को पता था ये सोनी हिरण होता नहीं है कोई भी, लेकिन उनकी जिद के अनुसार उसको लेने के लिए वो गए, तो उस मायावी हिरण के मुख से आवाज निकली, हे राम हे राम। तो राम की आवाज निकली, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण की तरफ से उस माया ने आवाज दी। अब सीता जी अकेली रह गई, लक्ष्मण को जाना पड़ा, तो लक्ष्मण ने सीता जी के आगे बहुत अच्छी बाउंड्री बनाई, किसकी, कहते हैं लक्ष्मण रेखा खींची और वायदा कराया है, हे सीते माँ, तुम इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना, बाहर नहीं जाना, इससे बाहर बहुत शत्रु घूम रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तुम इसके अंदर रहना। लेकिन उस रावण को, उसके भिखारी रूप को वो न पहचान सकी और थोड़ा सा अंगूठा बाहर निकाला और शोक वाटिका में जाना पड़ा। कितना उसके बाद उसको दुख हुआ, कितनी परेशानी हुई, कितना बड़ा युद्ध राम को करना पड़ा। हम सबको बाबा कहते हैं बच्चों, ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करो, ये आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। मन को लक्ष्य दिया गया है कि इस लक्ष्य के बाहर मन न जाए, ये लक्ष्मण रेखा मर्यादाओं की रेखा है।
इसका बहुत बड़ा विस्तार है। अगर इसको हम क्लास कराएं तो बाबा ने हम बच्चों को मर्यादाओं की बहुत बड़ी एक लिस्ट बताई है। हमारी स्मृति की मर्यादाएं हैं, हमारी दृष्टि की मर्यादाएं हैं, हमारी वृत्ति के लिए मर्यादाएं हैं, हमारे बोल के लिए मर्यादाएं हैं, हमारे कर्म के लिए मर्यादाएं हैं, संबंध संपर्क के लिए मर्यादाएं हैं, और उस मर्यादाओं के दृढ़ता से पालना करने वाली आत्माएं संगम युग पर मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाती हैं। जो जितना मर्यादा पुरुषोत्तम बन के रहती हैं, मर्यादाओं की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते, वो स्वरक्षक और मर्यादा रक्षक बनकर यज्ञ रक्षक बनते हैं। यज्ञ रक्षक केवल ऐसा नहीं पहरा दिया कोई चीज न नुकसान हो, कोई बचत हो, उसके लिए रक्षक तो बाबा कहता है ये सिक्योरिटी वाले भी कर रहे हैं, ये रक्षक रक्षा नहीं कर सकते, इससे तो बड़ा रक्षक हम सबके ऊपर बाबा खुद बैठा हुआ है। लेकिन हम इस यज्ञ के रक्षक तभी बन सकते हैं जब हम मनसा से भी किसी नियम और मर्यादा का उल्लंघन न करें। जितना हम मर्यादाओं में बंध करके रहेंगे, ये मर्यादाएं कोई हमारे लिए बंधन नहीं है, सजा नहीं है, लेकिन ये हमारी सेफ्टी का कवच है, साधन है। इसलिए बहुत प्यार से एक एक बात को समझना और समझ करके अपने आप को उसके अंदर रखना। बाबा के साथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, और बाबा की दुआओं के साथ साथ जो बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं, मेरी याद में रहने वाली आत्माएं ही पुण्य आत्मा है। बहुत गहरी परिभाषा बाबा ने पाप और पुण्य की बताई है। हम सभी इन मर्यादाओं को यथार्थ समझ करके इस समय कम से कम 63 जन्मों का बोझा तो हम उतार ही रहे हैं, बहुत सारे देहमान के कारण गलत काम हुए हैं। संगम युग पर जब बाबा मिला है तो अब कोई भी ऐसा गलत काम, ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी भोगना कई गुना हो जाए। जब बाबा की मुरली ऐसी चलती है तो मैं तो बड़ा विचार करता हूँ। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों की एक पुण्य की पूंजी, एक श्रेष्ठ कर्म का 1000 गुना उसका फल है, अच्छे से अच्छा फल है, और एक गलती की 1000 गुना सजा भी है। ऐसे शब्द जब आते हैं कानों में तो सबका टेंशन जाता है, विशेष मेरा तो जाता है कि मेरे से कोई एक भी ऐसा पाप कर्म, गलत कर्म ना हो। मैं इस सृष्टि पर आया हूँ, मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, मुझे संगम युग पर इतना श्रेष्ठ चांस मिला है, तो मैं सदा सुख दूं सुख लूं, न किसी को दुख दूं न दुख लूं। कई बार बाबा ये भी कहते हैं बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन दुख ले लेते हैं। दुख ले लेंगे तो हमारा योग लगेगा, हमारा चिंतन वैसा ही हो जाएगा, हम दुखी होते रहेंगे। इतनी श्रेष्ठ लाइफ जो संगम युग की हम सबको मिली है, जो डायरेक्ट भगवान की पालना, पढ़ाई, शिक्षाएं, श्रेष्ठ मत, कितनी सारी प्राप्तियां हुई हैं। कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं भगवान से प्यार कैसे जुटेगा। अरे प्यार तो उससे जुटता है जिससे बहुत कुछ मिलता है। कल बाबा साकार मुरली में कह रहे थे, देखो अगर बाप के पास प्रॉपर्टी होती है ना तो बच्चे का प्यार बाप से होता है, अगर बाप से भी अधिक दादा के पास प्रॉपर्टी होती है तो बाप से उसका प्यार टूट करके दादा में लग जाता है। माना प्यार का आधार क्या हुआ, प्रॉपर्टी। अब बाबा शिव बाबा हम सबको इतना अखुट खजाने, इतनी सब प्राप्तियां अविनाशी रूप में दे रहे हैं, तो उसके साथ जब प्राप्तियों का अनुभव होगा तो प्यार टूटेगा ही नहीं, दिल का प्यार। इतनी श्रेष्ठ जीवन बाबा ने हम सबकी बनाई है, कीचड़ से निकाला है। कई बार कहता है मैं कीचड़ से बच्चों को निकालता हूँ। कलयुग के कीचड़ में हम सब पड़े हुए थे, विकारों के अंदर लिप्त थे। कभी कभी कोई कोई के अनुभव सुनने को मिलते हैं। एक बार मैं एक स्थान पर गया, एक भाई मुझे मिला, कहता है भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाऊं। हमने कहा जरूर सुनाओ। हम तो गाड़ी में दोनों बैठे थे, तीसरा नहीं था कोई, वो खुद ड्राइव कर रहा था। कहता है भाई मैं जो अपनी लौकिक लाइफ में था ना, मैं रावण का भी बाप था। तो मैं देखने लगा, हमने क्या बोला, मैं रावण का भी बाप था। कहा भाई क्या था, कैसे ये कह रहे हो। कहता है भाई जी मैंने जितने गलत काम दुनिया के होते ना सब काम इस जीवन में किए,
बहुत गंदे काम किए। मैं तो इतनी शराबी इतना पीता था जो मैं ऐसे गंदे नालों में गिर जाता था, इतना मलेच्छ जैसा था, इतना मेरे अंदर गुस्सा था। अगर मैं दरवाजे से निकलता था सब बच्चे घरों की खिड़कियां परिवार वाले बंद कर लेते थे। मेरे इतने दुश्मन हो गए। मेरी दुकान थी जवाहरी की, वो जवाहरी की दुकान सब खत्म हो गई, मेरा घर फिट गया, मेरा जीवन एकदम नरकमय बन गया। लेकिन एक दिन ऐसे ही बाबा के घर में अचानक ऐसे बोर्ड देखा और चला गया, और जाते ही बाबा ने मुझे वो जादू लगाया, मेरा जीवन बन गया। और ऐसे कहकर रोने लगा, आंसू आने लगे। सचमुच बाबा ने ऐसे कीचड़ से निकाला है बच्चों को, ऐसी कलयुग की जीवन को ऐसा सुंदर बनाया है जो हम सब इस कलयुग में भी कितना निर्व्यसनी, कितने पवित्र, कितने शुद्ध, कितने सुखदायी बन गए हैं। तो बाबा ने जो बनाया है, बनाने वाले के प्रति प्यार नहीं होगा तो क्या होगा? और योग का आधार तो प्यार ही है। तो हम सब ऐसा प्यार बाबा से करें, एक बाबा के लव में लीन हो जाएं, यही योग है, यही तपस्या है, और कुछ योग नहीं है। योग माना ऐसे नहीं आंख बंद करके बैठ जाओ, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, कहीं ऐसे ऐसे धुन लगा देते। बाबा कहते बच्चे योग में परिवर्तन आता है। अगर बाबा से आपका प्यार है, आप बाबा से कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्या बाबा की शक्तियां आपके जीवन को ट्रांसफर नहीं करेंगी? परिवर्तन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। जिसका यथार्थ योग है उसका अंग अंग शीतल सुगंधित सुखदायी बन जाता है। योग यथार्थ है तो कोई निंदा करे, कोई महिमा करे, कोई दुख आए, कोई सुख आए, स्थिति समान रहती है, कभी भी हलचल नहीं होती। तो हम सब बाबा के बच्चों को योगी जीवन जीना है, योग लगाना नहीं है। योग लगाने वाले तो 2 घंटा 4 घंटा लगाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं आप सब योगी जीवन वाले मेरे बच्चे हो, इसलिए जीवन ऐसे दिखाओ बनाओ जो जीवन से बाबा प्रत्यक्ष हो। अभी तक हम प्रत्यक्ष करने के इतने साधन बनाते आए, कितनी कॉन्फ्रेंसेज की, कितने मेले किए, आज की मुरली में बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी सम्मेलन की विधियां सुनाई हैं, वंडरफुल विधियां सुनाई, शायद एक दो बार किया गया फिर भूल गए लोग, लेकिन बहुत अच्छी तरह से बाबा ने प्रत्यक्षता के कई सम्मेलन के अंदर युक्तियां बताई थी। हम सभी जो भी चांस मिलते हैं सेवा के हम लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छी सेवा का साधन, बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन केवल एक ही है, हमारी चलन और हमारा चेहरा, हमारी प्रैक्टिकल जीवन। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर प्रत्यक्ष में मेरा जीवन इतना खुश नसीबी का है, इतने दुखदायी कलयुगी वातावरण में रहते हुए मैं आत्मा उस दुख की दुनिया से न्यारी प्यारी सुख की दुनिया में, मौज की दुनिया में रहता हूं, तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? आपके संबंधी, आपके अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे नहीं? इतनी विकट परिस्थिति में, इतनी समस्याओं से घिरे हुए दुनिया के बीच में, ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे मौज से रह रहे हैं, कितने खुशनुमा हैं, खुश मिजाज हैं, कभी बात भी नहीं ऐसी करते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। बाबा के बच्चे तो जानते हैं, क्या जानते हैं? नथिंग न्यू। कोई भी दुनिया में जो सीन आ रही है उसमें कोई भी नई सीन नहीं है, कल्प कल्प की नूंद अनुसार हो रही है, और कल्प कल्प हम बच्चों ने इन सीन्स को पार किया है, विजयी बने हैं। इसलिए ये स्मृति जब रहती है ना, मैं विजयी हूँ और विजय हुई पड़ी है, तो इसकी परवाह नहीं रहती। बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, और उनको हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति से ऐसे सहज पार कर लेते हैं। तो श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए मैं आप सबके सामने कुछ बातें रखता हूँ, ध्यान देना, क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे समय पर समय हम सबको डायरेक्शंस दिए हैं, श्रीमत दी है। सबसे पहली बात है, हम सब चेक करें क्या हम अपने संकल्पों को, विस्तार को 1 सेकंड में सार में ला सकते हैं। स्वस्थिति को अगर अच्छा बनाना है तो ये अभ्यास करना होगा, फुल स्टॉप, मुझे नहीं सोचना।
दादी जानकी का एक शब्द आप सबको याद होगा, कई बार मुझे कहती थी जब मैं कोई पत्र ले जाता था, जब कोई इधर उधर की बात सुनाता, कहती थी डोंट थिंक। मैं हंसता था, हमने दादी डोंट थिंक होता ही नहीं है। जगदीश भाई जी ने एक बार क्लास कराया था हम लोगों का कि संकल्प वो चीज है जो सारा कल्प चलता है, कोई समय ऐसा होता ही नहीं जो संकल्प न चले। जब तक कुछ ब्रेन के अंदर है, अगर ब्रेन अच्छा है तो संकल्प तो शांत नहीं रहता। तो दादी कहती थी अरे डोंट थिंक जो जरूरी नहीं है, जो बातें आपके काम की नहीं है, जिनसे आपकी प्रगति नहीं, उन्नति नहीं, क्यों सोचता है, सोचो ही नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। तो ये जो पाठ पढ़ा के गई, तो अब समय अनुसार हम सब इसकी प्रैक्टिस करें। डोंट थिंक, मुझे कोई भी नेगेटिव और व्यर्थ बातें नहीं सोचनी है। शुद्ध संकल्प, अच्छे संकल्प भी सीमित हों, क्योंकि अच्छे संकल्प भी अगर अधिक हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ मिक्स हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला अभ्यास करो सभी मिलकर के कि मैं ऐसा बैठा हूं और 1 सेकेंड में अपने गति को संकल्प के पहले चेक करो किधर जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। जब साक्षी होकर के अपने संकल्पों की गति पर ध्यान जाता है ना, तो 1 सेकेंड फुल स्टॉप। मुझे बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें नहीं सोचना है, मैं बैठा हूँ। सदा ध्यान दो कि जब बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान है। कल बाबा क्या वरदान में कह रहे थे, ब्रह्मा बाप तुम्हारा 1000 भुजाओं वाला तुम्हारे साथ है, 1000 भुजाओं वाला बाप तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हें किस चीज की परवाह है, क्यों सोच रहे हो, क्यों वियोग में आंसू आ रहे हैं, क्यों वियोगी बनते हो। जब तक संगम युग पर स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक ये ब्रह्मा बाप की आत्मा कहीं जाएगी नहीं, न परम धाम जा सकती है, न स्वर्ग में आ सकती है। जब हम सब जानते हैं ये ज्ञान बाबा का हम सबको मिला है, तो 1000 भुजाओं वाला कितने बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सब सहयोगी हैं, साथी हैं, बाबा हमारे साथ है। इसलिए सोचने की परवाह ही नहीं, कोई भी बात की परवाह नहीं करो। बिल्कुल जब बैठो ऐसे लगे संकल्प बिल्कुल शांत है, फुल स्टॉप लग गया, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे के प्रश्नों में उलझना नहीं है। बहुत शीतल मन को बना लो, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, स्टॉप हो जाएंगे। दूसरी बात है समय प्रमाण, हर आत्मा के पार्ट को देखो जरूर, देखना तो पड़ेगा, संसार में है दिखाई देगा। लेकिन बाबा ने हम सबको एक आसन दिया है, साक्षीपन का आसन। जैसे एक है न्यारा और एक है साक्षी। न्यारा बनते हैं हम अपने देह अभिमान से, और साक्षी बनते हैं अपने परिवार के बीच में पार्ट को देखते हुए। जैसे नाटक चलते हैं, कोई रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो देखते देखते उनको लगता है कि ये जो पार्ट बजा रहा है, ये पार्टधारी अलग है, मैं अलग हूँ। अगर कोई इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर, उसने उसको रियल समझ लिया, तो दुखी हो जाएगा, उसको भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे दुखदायी सीन आते हैं सामने। बाबा कहते हैं बच्चे इस बेहद के नाटक को साक्षी दृष्टा बन करके देखो, अगर अपनी स्व स्थिति को अच्छा बनाना है तो ध्यान दो कि मुझे कोई के पार्ट के अंदर दखल नहीं करनी है। हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, जो बजा रही है उसको बजा लेने दो। बाबा तो ये भी नहीं कहता ये गलत कर रहा है, जो कर रहा है उसके हिसाब किताब बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, जो बने हुए थे वो चुक तो हो रहे हैं। बाबा इतना हर्षित कैसे रहता है, कितना निर्लिप्त रहता है, जबकि सारे विश्व का मालिक है, सारी जवाबदारियां उसके ऊपर हैं, और उसने साकार में ये यज्ञ रचा है, और यज्ञ में कुछ नीचे ऊपर हो, कुछ भी नहीं इधर उधर की बात हो, फिर भी बाबा आए और मुस्कुराए और निश्चिंत स्थिति में बैठा हो, ऐसा कैसा बाप है। लेकिन बाप ऐसा है जो जानता है, नॉलेजफुल है, त्रिकालदर्शी है, उसको पता है कि मैंने तो इन्हीं बच्चों को देवता बनाया था और यही बनने वाले हैं। ये वर्तमान इनका कोई पास्ट का हिसाब किताब है जो पूरा कर रहे हैं, इसलिए वर्तमान को देखता ही नहीं है, वो हमारे भविष्य को देखता है, और उसको देख करके हमसे मुस्कुरा करके बात करता है कि बच्चों के सामने ये परवश स्थिति आई है, ये पेपर आया है, पार हो जाएंगे,
पार हो जाएंगे, विजयी बन जाएंगे, सतयुग के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा कितना निश्चिंत है, कितना बेफिक्र बादशाह है, और बच्चों के ऊपर थोड़ी सी बात आती है, ये चिंता वो फिक्र, ऐसी बातें। बाबा कहता, बच्चे साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठने का अभ्यास करो। तीसरी बात है श्रीमत सिरमाथे। अगर ये अंडरलाइन करेंगे ना, जो श्रीमत है उस मत के अनुकूल ही मुझे चलना है, ना अपनी मन मत का प्रभाव पड़े और ना किसी के पर मत का प्रभाव पड़े। ये दो चीजों का प्रभाव आत्मा को बहुत प्रभावित करता है। कई बार अपने मन की मत, कौन ऐसा बना है, कहते तो सब हैं, बड़ा ऊंचा ऊंचा ज्ञान है बताते हैं, लेकिन है कहाँ, ये मन की मत है। बाबा कहता, बच्चे ऐसा सोचो ही नहीं, जरूर कोई बने तब तो, बाबा कह रहा है, भले 8 ही पास हुए हैं, 108 ही पास हुए हैं, लेकिन हुए तो हैं। और कहता, बच्चे तुम रेस करो, मैं 108 की माला कई लड़ियों की बना दूंगा, पास होकर के तो दिखाओ। इसलिए कभी भी मन मत श्रीमत के अंदर ऐड नहीं करो, जो बाबा ने कहा सत्य वचन है और मुझे बनना है, मैं ही बन करके दिखाऊंगा। परमत लोगों की मत, जिनके साथ हम बैठते उठते हैं, अगर वो कमजोर हैं तो अपनी कमजोरी का प्रभाव हमारे ऊपर जरूर डालेंगे। मुझे दीदी जी की एक बात याद आती है, मैं जब शुरू शुरू में आया दीदी के पास, मैं छोटा था, 15-16 साल का था, तो दीदी जैसे कान में एक मंत्र देती है, मेरे को बहुत नजदीक बुला के कहती है, राजू एक बात बताओ। दीदी जरूर बताओ। कहती है, तुम संग की संभाल करना, रहो यहाँ मधुबन में भले रहो, यज्ञ में रहो, लेकिन संग की संभाल करना। तो मैं दीदी को ऐसे देखने लगा, मैं दीदी संग तो जो खराब था वो तो मैं छोड़ के आया, स्कूल का संग, लड़कों का संग, गांव का संग, वो सब छोड़ दिया, अब मधुबन में आया अभी भी यही शिक्षा मिल रही है, संग की संभाल करना। मैंने कहा, दीदी यहाँ भी खराब संग है क्या? तो मुस्कुराने लगी, कहती खराब नहीं है, लेकिन अगर कोई का अपनी उन्नति पर ध्यान नहीं है, कोई अमृत वेले योग नहीं करता, कोई क्लास नहीं करता, बाबा की पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, तो क्या उसका संग अच्छा संग है? तुम उसके संग में गए तो तुम भी ऐसे अलबेले बन जाओगे, आलसी बन जाओगे। इसलिए अगर कोई यहाँ समर्पित है, पुराना है, लेकिन उसका बाबा की पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, मुरली पर ध्यान नहीं है, ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, सेवा कर रहा है, भोजन कर रहा है। तो दीदी का एक टाइटल था, बड़ा रमणीक था, है सख्त टाइटल, कहती थी, ये बिना पैसे के सफेद ड्रेस पर मजदूरी कर रहे हैं, भोजन खाते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं और मजदूरी करते हैं, ऐसे मजदूरों के संग में थोड़ी रहना होता है। इसलिए संग की संभाल करना, कोई भी अगर दिनचर्या में अलबेला है या कोई नुक्स निकालता है, मान लो आज कोई मुरली के अंदर अपनी अपनी बातें ऐड करता है, मन मत की बातें ऐड करता है, क्वेश्चन करता है टेढ़े मेढ़े, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, ये किसने लिखा, ये कैसे की, अरे भाई भगवानों आज के अंदर अगर तुम्हारी बुद्धि चल रही है तो मम्मा की बात मुझे याद आती है, बहुत मुस्कुराते हुए मम्मा की शिक्षाएं होती थी, मेरे पास बहुत सारी उनकी मुरलियां हैं। कहती थी, भगवान के बोल में अगर कोई पूछता था, मम्मा ये जो बाबा ने कहा है ये हो सकता है, तो मम्मा आंख दिखाती थी, क्या बोला, कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलना, भगवान हो वाच्य, अगर वो दिन के समय कहता है रात है तो भी कहो यस, कुछ उसके पीछे रहस्य है, कुछ राज है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी भी संशय नहीं आ सकता, कोई भी प्रश्न मुरली के अंदर अगर निकाल रहा, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन उठा रहा है, माना उसका संपूर्ण निश्चय भगवान वाची में नहीं है। इसलिए हम मुरली को यथार्थ समझें और किसी भी प्रकार के इधर उधर के प्रश्न न करें। कई बार लिखत में कुछ नीचे ऊपर होता है, कामा फुल स्टॉप नहीं ठीक जगह पर लगे हो, फिर भी कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये ठीक नहीं लिखा गया, ये शब्द ठीक नहीं लिखा गया। एक बार बाबा ने रमणीक मुरली में ऐसे ही बोल दिया, तुलसीदास की सूरदास की कहानी आती है, तो बाबा के मुख से ऐसे ही शब्द निकल गया कि सूरदास जो था वो सांप पकड़ के चढ़ गया। किसी बच्चे ने कहा, बाबा सूरदास वो नहीं था, वो तुलसीदास था। अरे बच्चे तूने समझ लिया ना, तुमने तो समझ लिया ना, तुम क्यों क्वेश्चन कर रहा है,
बाबा ने बोल दिया जो बोल दिया वो ठीक है। तो सूरदास हो या तुलसीदास हो, सब विकारों के अधीन थे आत्माएं, कुछ न कुछ गलतियां की। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये कहता है कि शब्दों को पकड़ करके अपने को उलझाते क्यों हो, शब्द तो बाबा के निकले आए हैं, हम सब उनके भाव को समझें, उनकी भावनाओं को समझें, वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं उस पर ध्यान दें, शब्दों के जाल में क्यों जाते। कई बच्चे जाल में चले जाते, उलझ जाते, ऐसा बाबा ने क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। अगर हम सब इन्हीं उलझनों में उलझे रहेंगे तो श्रीमत में मन मत या परमत ऐड कर देंगे। इसलिए ध्यान देना, श्रीमत सिर माथे, जो भगवान ने कहा है वो यथार्थ है, सत्य है, और उस पर चलने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। चौथी बात एक ध्यान पर रहे, हम सब पाठधारी जिनके साथ हम पाठ प्ले कर रहे हैं, हमारा रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छे से अच्छा हो। परिवार में जहां जहां भी टकराव की स्थिति बन रही है, जहां पर भी संगठन टूट रहे हैं, उसका कारण है, बाबा कहते हैं बच्चे इस रिकॉर्ड पर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हम दूसरों से तो अपेक्षाएं रखते हैं कि कोई मुझे रिकॉर्ड दे, ये मेरे से जो बात करते हैं ना बहुत प्यार से करें, स्नेह से करें, ये करें, बहुत अपेक्षाएं रहती हैं व्यक्तियों की, और अगर वो ऐसा नहीं होता तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई ने पूछा नहीं, बात नहीं की, क्या क्या सोचने लगते हैं, मैंने इतना सहयोग दिया, मैंने सेंटर खुलवा के दिया, मैंने तन से मन से धन से सब सहयोग दिया, मेरी तो कोई यहाँ वैल्यू नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। बाबा कहता कोई कदर करे या न करे, भगवान तो तुम्हारे की कदर कर रहा है, वो तो तुम्हारी पालना कर रहा है। तुम सिर्फ एक ही मंत्र पक्का करो, मुझे देना है, देना है, देना है। बाबा ने लेना नहीं सिखाया, देना सिखाया। जैसे बाबा दाता है ना, हम बच्चों को कहता बच्चे तुम मास्टर दाता बन जाओ, तुम देते चलो, अपने आप एक न एक दिन वो देंगे। तो मास्टर दाता बन करके हम सब एक दूसरे को रिगार्ड जरूर दें, जो हम चाहते हैं वो पहले हम दूसरों को दें, और देंगे तो रिटर्न में हमें अवश्य प्राप्त होगा। बड़ी दादी का एक और स्लोगन याद रखना, कभी भी सम्मान से नीचे नहीं आना, सम्मान में रह करके सम्मान देना। तो सम्मान में रहना, दादी जी के अंदर देखो कितना बड़ा सम्मान था, लेकिन कभी भी उनके शब्दों में अभिमान दिखाई नहीं दिया, बहुत निर्माण चित नम्र चित बन करके रही, सबको इतना रिगार्ड दिया, सब मेरे से बड़े हैं। एक दिन की बात सुनाता हूं, मैं पहले पहले जब आया तो एक मेला लगा था एक स्थान पर, और हम लोगों को जाने का चांस मिला सिर्फ देखने के लिए, सेवा के लिए नहीं, घूमने के लिए, कि मधुबन वाले भी जाएं घूम करके आ जाएं। तो मैं ऐसे ही मेले में चक्कर लगा रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया, और दादी जी पीछे से ऐसे ही ऐसे अचानक आई, जो मेरे पर ऐसे हाथ मारा, पीछे से टच किया। तो मैं देखने के ऐसे देखा तो बड़े प्यार से दादी ऐसे हाथ जोड़ती है, ओम शांति नमस्ते। इतना शर्म मुझे आई, मैंने कहा इतनी बड़ी दादी और मेरे को ओम शांति कर रही है, पहले नमस्ते कर रही है। मुस्कुराई, बड़े प्यार से देखा, दृष्टि दी, पूछा कुछ हाल चाल ठीक है सब, ऐसे पूछ करके चली गई। बाद में एक दिन मुझे कहती है कि बड़ों को रिस्पेक्ट देना आना चाहिए। मुझे उस समय की बात याद थी कि कोई भी बड़े अगर आते हैं सामने तो पहले झुक करके ओम शांति नमस्ते मुस्कराना, ये एक कायदा है, एक नियम है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी इन दादियों ने हम सबको सिखाई, प्रैक्टिकल करके सिखाया। तो ये एक अंदर का लक्ष्य रहे कि इतनी बड़ी दादी, इतना बड़ा ऊंचा सम्मान, विश्व की दादी बनी, इतने बड़े ब्राह्मण परिवार की पालना की, लेकिन उनको किसी अभिमान ने कभी नहीं छुआ। दो प्रकार का ही मैं है, एक अभिमान वाला मैं आता है जो बहुत डिस्टर्ब करता है, समझते हैं पता नहीं मेरे कोई भी यहाँ वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैंने इतना सब कुछ किया है, मैं करने वाला, तो मैं का अभिमान
उस आत्मा के अंदर गांठ पैदा कर देता है, वो परिवार से दूर हो जाती आत्मा। और दूसरा, मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैं योग्य ही नहीं हूँ, ये बाबा कहता हार्ट की बीमारी, दिल शिकस्त, उनका उमंग उत्साह एकदम खत्म। इसलिए दोनों मैं से मुक्त होकर के मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, जिसने मुझे चुना है, उसके नशे में रहना, उस स्वमान में रहना। स्व को स्वयं मान दो, कोई दे या न दे, मान तो अपने आप पीछे पीछे बाबा कहता परछाई की तरह आएगा, लेकिन आप अपने स्वमान में स्थित रहो और स्थित रह करके फिर दूसरों को सम्मान दो। निमित्त बाबा ने अगर बनाया है तो निर्माण बन करके रहो। निर्माण का कार्य वही कर सकते हैं जो नम्र चित्त बन करके रहते हैं। ऐसी ऐसी बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं अगर हम सब बच्चे ध्यान पर रखते हैं, उसका चिंतन करते हैं, सुमिरन करते हैं, इतनी ऊंची स्थिति बन जाती है कि भगवान ने मुझे क्या पढ़ाया है, कितना सिखाया है, कितना श्रृंगार किया है, इसी जन्म में देवता बना दिया, भविष्य में तो बनेंगे ही, वो तो निश्चित ही है, लेकिन अपने बच्चों को बाबा ने संगम पर इतने सुंदर ज्ञान रत्नों से सजाया है, ज्ञान के गहनों से सजाया है। तो मैं समझता हूँ आप सब बाबा के बच्चे खूब सजे सजाए होकर के रहो, बड़ी अच्छी स्थिति बनाओ, स्वस्थिति अच्छी है, बातें कितनी भी आएंगी सब पार हो जाएंगी, बातें आती हैं चली जाती हैं, कोई सीन सदा नहीं रहती, एक जैसी सीन तो रहती नहीं। बाबा तो कहता है एक सेकंड पहले जो हुआ वो दूसरे सेकंड नया होगा, जब सब कुछ नया हो रहा है तो फिर मैं क्यों चिंता करूं। तो ये भी प्रॉब्लम जो आई है दुनिया के आगे, संकट आया है, ये भी आ जाया है, कल चला जाएगा, लेकिन हम सबको तैयार रहना है, एवर रेडी। बाबा मैं आत्मा सब बातों से, सब बंधनों से, सब बुराइयों से मुक्त हो जाऊं, उसके लिए समय है, खूब अच्छी तपस्या करो, अपनी अच्छी स्थिति बनाओ, अच्छे अच्छे चिंतन में रहो, रमण करो, मनन करो, और खूब अच्छी स्थिति में रह करके बाबा की सकास लेकर पूरे विश्व को दो। अब ये सेवा अभी समय अनुसार करनी है, बाबा अभी इस सेवा में हम सबको अपने समान बनाना चाहते। हमने वाचा सेवा बहुत कर ली, ज्ञान दिया, कोर्स कराया, अभी भी कई ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, सब करते चलो, बिजी रहो, अच्छी बात है, लेकिन बाबा कह रहे हैं बच्चे अंतिम सेवा है ये, संपन्न स्वरूप से, कर्मातीत स्थिति से फरिश्ता बन करके आत्माओं को सकास देना, मदद करना। तो सकास देने के लिए लाइट की ड्रेस पहनो, हल्की ड्रेस है, बहुत उज्जवल ड्रेस है, फरिश्ता ड्रेस है, पहन करके उड़ो, बाबा के पास जाओ, आत्माओं को देखो, भक्तों की पुकार सुनो, दुखियों की आवाज सुनो, कितने शब्द बाबा के वंडरफुल हम सबको मिले हैं। तो ऐसे समय प्रमाण हम सबको अभी ऐसी स्थिति बनानी है। मैं समझता हूँ हमारे अमेरिका निवासी भाई और बहनें अब इस समय का पूरा फायदा उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, और बहुत निश्चिंत एक रस आसन पर बैठ करके बाबा की सकास लो, लाइट और माइट की किरणें फैलाओ, ऐसी हमारी शुभ भावना है। तो आप सबको बहुत बहुत दिल से आज के इस दिवस की मुबारक और बधाई, ओम शांति। अभी अगर आप लोग कुछ प्रश्न पूछेंगे तो पूछ सकते हैं। राजू भाई, अभी हम भोग लगाएं, भोग के बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। आज मदर्स डे का स्पेशल भोग लगाएंगे अभी, और उनके बाद फिर आपको प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको सुनाई देता है राजू भाई? आवाज नहीं है राजू भाई, आपको सुनाई देता है? थोड़ा सा तेज करो, गीता बहन आवाज नहीं आ रही। नहीं, यहाँ से तो बहुत है, सुनाई देता है? ओम शांति।
राजू भाई आप अपने यहाँ जी वॉल्यूम तेज करो अपनी साइड पे, क्योंकि हम सब ठीक से सुन सकते हैं जो हम बोल रहे हैं। आपकी साइड पे वॉल्यूम धीरे है। वॉल्यूम तेज करो भाई। आपने क्लास ठीक सुना एकदम सभी ने जुम्बे बहुत ही भाई? प्यार से सुना, अभी भी सुनना चाहते हैं। अभी हम क्या करें, अभी बोग ऑफर वॉल्यूम तेज करें। करो बोलते हैं। विवेक की आवाज आई, विवेक भाई आप सुनाओ विवेक ना। भाई बोल रहा था ना, ठीक है, उसकी आवाज आई। सो राजू भाई आपको सुनाई दे रहा है क्या अभी? हाँ बहुत अच्छा सुना रहा, आपकी आवाज आ रही है सिर्फ। ओके, आई थिंक गीता बहन आपके तरफ से शायद माइक में कुछ हो, आई डोंट नो, मगर हम एक ही कनेक्शन यूज कर रहे हैं। तो राजू भाई, गीता बहन बोल रही थी कि अभी हम भोग ऑफर करेंगे और जी भोग जी ऑफर करने के बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है? भोग लगाएंगे। अच्छा ठीक है, या ओके।
ओम शांति। सुनाई देता है ओम शांति। राजू भाई आपको सुनाई देता है। विवेक भाई, राजू भाई आपको सुनाई दे रहा है क्या? आपकी आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है। गीता बहन की स्लो है। अभी किसी को प्रश्न है तो हाथ ऊपर करो, उसका म्यूट हम खोलेंगे। राजू भाई एक आप बताए कि आपको मूली का डिपार्टमेंट कैसे मिला? राजू भाई क्वेश्चन है कि आपको डिपार्टमेंट कैसे मिला? मुरली डिपार्टमेंट कैसे मिला? हाँ, मुरली डिपार्टमेंट। हाउ डिड यू गॉट मुरली डिपार्टमेंट? ऐसा है कि मैं जब आया था, स्टूडेंट था मैं, स्कूल की लाइफ से आया था और मैंने पहले पहले मधुबन में टाइप सीखा। टाइप सीखने की कई बातें थी। दीदी ने खास एक शर्त रखी थी कि टाइप तभी सीखोगे जब पहले सिंधी सीखोगे। तो टाइप सीखने के पहले मैंने सिंधी सीखी। ये 72 की बात है। मैं 72 अप्रैल में आया और दिसंबर में मैंने
अपनी एप्लीकेशन रखी कि मुझे टाइप सीखनी है, तो दीदी दादी ने छुट्टी दी, लेकिन सिंधी सीखने के बाद तो फिर दादा विश्व रतन ने मुझे सिंधी सिखाई, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, और उसके बाद मैंने कुछ ही दिनों में टाइप सीख लिया। मैं समझता हूँ 10-15 दिन में मैं टाइप भी सीखा, हिंदी टाइप सीखा और सिंधी पढ़ना लिखना सीख गया था। लेकिन दीदी की राइटिंग मैं नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि उनको उनकी अपनी लैंग्वेज अपने ढंग से लिखती थी, स्कूल तो पढ़ी नहीं थी दीदी, लेकिन उनका जो शॉर्ट हैंड था उसको सीखना, उसको पढ़ना मेरे लिए थोड़ी मेहनत थी। फिर भी एक दादी थी हमारी कमलमणि दादी, तो उनकी डायरी मैं ले आता था दीदी से और दादी को पूछता रहता था, दादी ये क्या लिखा है, दीदी ने कैसे लिखा है। तो दादी कमलमणि मुझे ऑफिस में आके कंप्यूटर पर, साथ में कंप्यूटर तो थे ही नहीं, टाइपराइटर ही थी, तो वो मुझे पढ़ के सुनाती थी और मैं टाइप करता था। ऐसे करते मैंने 3 साल निकाले और दीदी के पास जितने पत्र आते थे, उनकी एक आदत थी कि जो भी पत्र आते थे उनका जवाब जरूर देना है, लेकिन पहला पेज जो होना चाहिए, अंतरदेशी होते थे, अंतरदेशी का फर्स्ट पेज, उसमें बाबा की मुरली की पॉइंट्स होनी चाहिए। और वो जो क्वेश्चन आंसर लिखती थी, वो कहती थी तुमको जो अच्छे लगे पढ़ो और उसमें से टाइप करके ले आओ। तो मैं कार्बन कापियां निकालता था अंतरदेशी पर, 5 कापी 6 कापी अच्छी निकलती थी, कभी कभी 5 बार 6 बार 7 बार उनकी कापियां निकाल निकाल के मैं दादी के पास दीदी को देता था। और 76 तक मैंने ये सेवा की, सब सेवाएं थी, बहुत सारी वैरायटी, मधुबन की सेवाएं थी, धोबी घाट था, रोटियां बनानी थी, पानी एक तरह गर्म करना था, सबको पहुंचाना था, ये स्थूल सेवाएं थी, सब साइंस तो थी नहीं हमारे पास, और बहुत थोड़ा परिवार था, हम लोग 25-30 समर्पित थे। 50 की ग्रुप, 60 का ग्रुप आता था तो हम कहते बहुत बड़ी पार्टियां आ गई, हाल हमारा छोटा पड़ जाता था, कमरे हमको खाली करके उनको सुनाना पड़ता था भाई बहनों को जो आते थे। तो वो तो बड़े प्यारे दिन थे, और छोटा परिवार सुखी परिवार तो होता ही है, तो वो दिन थे। और मैं सीधे साथ साथ स्थूल सेवाएं करते हुए टाइप सीख लिया, सिंधी सीखी, दीदी के साथ मेरा को सहयोग करने का, उनकी पोस्ट में मदद करने का चांस मिलता गया। और ड्रामा ऐसा था जो 76 में जिस भाई ने मुझे टाइप सिखाई थी, उस भाई को कोई अचानक काम से लौकिक जाना पड़ गया, वो चला गया। और जब वो चला गया तो पूरी डिपार्टमेंट 76 में मुझे मिली, और उसके बाद तो दादी जी के साथ दीदी के साथ बहुत समीप का संबंध बना, क्योंकि कोई भी बात होती थी, मुरली के अंदर कुछ भी होता था, फट से दादी मेरे को बुलाती थी, इसको ठीक करो, इसमें ये क्वेश्चन लिखो, इसको साल लिखो, क्योंकि मुरलियाँ रिवाइज हो रही थी। 69 में बाबा अव्यक्त हुए, मुरलियों का रिकॉर्ड केवल 5-6 साल का ही बाबा ने रखने दिया था, पहला रिकॉर्ड कुछ रखा ही नहीं था। तो 5-6 साल की मुरलियाँ एक बार रिवाइज हो गई, फिर दूसरी बार हुई शुरू, तो दादी कहती थी ऐसा न लगे कि वही वही मुरलियाँ हैं, इसलिए तुम इसमें प्रश्न उत्तर लिखो, इसका सार लिखो, फिर धारणा का सार लिखो। ऐसे करते करते मुरलियों को बाबा के दादी के साथ बैठ करके लिखने का सौभाग्य मिला, और 76 में ये मुरली की पूरी डिपार्टमेंट में प्राप्त हुई। और उसके बाद दादियों के अंग संग रह करके फिर पढ़ना लिखना, पत्रों का उत्तर देना, खास जब दीदी अव्यक्त हो गई 83 में, तो दीदी ने जितनी पोस्ट संभाली थी लिखने की, पत्रों का उत्तर देने की, वो दादी ने मुझे ही सेवा दे दी कि तुमको ही सबके जवाब देना है। अब जवाब देना है तो क्या जवाब देना है, इसलिए रोज मैं दादी के पास जाता था कमरे में, रोज मुझे बुलाती थी, कहती थी पत्र पढ़ के हाईलाइट करके ले आओ, कौन सी बात किसने क्या पूछी है मेरे पास आओ और मैं उत्तर दिलवा दूंगी, लिखवाऊंगी। तो मैं शाम को रोज दादी के पास कमरे में जाता था 4 बजे, दादी दिन में बहुत आधा घंटा पौना घंटा रेस्ट करती थी, बुला लेती थी मेरे को, और फिर दादी बैठ जाती थी और ऐसे सरस्वती माँ की तरह बैठ गई आंख बंद करके, कहती लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, सब पत्रों के उत्तर लिखाती थी। तो 83 के बाद दादी के साथ बहुत समीप रहने का भी चांस मिला, और ऐसे करके ये सेवा मुरली डिपार्टमेंट की, पत्रों का उत्तर देने की, उसके बाद पत्र पुष्प शुरू किए 92 में, उसके बाद कंप्यूटर युग आया, कंप्यूटर भी सीखा, कोई स्कूल से सीख के नहीं आया, कोई लौकिक पढ़ाई नहीं किया, अलौकिक परिवार में ही बाबा ने सब कुछ पढ़ाया है, सिखाया है, लिखाया है, योग्य बनाया है, ये सब बाबा की देन है, मेरा कुछ नहीं है।
विवेक भाई चार प्रश्न पूछा है वो पूछो ना प्लीज. सेकंड लेट मी सी किसने पूछा प्रश्न. दिव्या बेन आप मेरे को सुन रहे हो. या आई कैन हियर यू गीता बेन. ओके यू कैन आस्क क्वेश्चन. दिव्या बेन आप डायरेक्टली पूछ लो आपकी आवाज क्लियर. अच्छा ओम शांति राजू भाई जी आपसे एक प्रश्न पूछना था. जी पूछो. यज्ञ में आपने बहुत बहुत आपके हम अनुभव सुने हैं और कैसे सब राइटिंग टाइपिंग आया और टाइपिंग के बाद कंप्यूटर आया तो कितना चेंज होता गया ये सब हमने सुना है. आपको वो वाले दिन पसंद है कि अभी टेक्नोलॉजी का दिन पसंद है ये क्वेश्चन था. पसंद तो जो समय बना रहा है वही सब कुछ पसंद है उसमें कोई सोचने की बात नहीं. अभी पसंद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी हमें बार बार नहीं करना पड़ता है. पहले तो एक ही मुरली को मैं 5 बार टाइप करता था 4 बार स्टेंसिल काटता था. अब आप समझ सकते हो उस युग में जो टाइपराइटर का युग था जब मुरली की सेवाएं बढ़ने लगी 2000-2500 जब मुरली हुई तो स्टेंसिल से अधिक अच्छी कापी 500 निकलती थी 600 निकलती थी. अब 2000-2500 मुरली के लिए मुझे 4 बार मैं अकेला टाइपिस्ट था और टाइप करते करते मैं सुबह से रात तक 4 बार टाइप करता था करेक्शन करता था उसके क्वेश्चन आंसर बनाता था पूरा दिन मेरा उसमें जाता था. तो वो समय जो था मैनुअल समय था लेकिन मजा उसमें भी था अपना ही रौनक थी. लेकिन वर्तमान समय जो साइंस ने साधन दिए हैं उनका हम सही प्रयोग अगर करते हैं तो ये मैं समझता हूँ विश्व सेवा के लिए सबसे बड़ा योगदान है. क्योंकि अगर ये कंप्यूटर नहीं होते तो आज जो हम आपसे मिल रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से जो हम सन्मुख का अनुभव कर रहे हैं मैं समझता हूँ इससे हम वंचित रह जाते. तो समय अनुसार जो साधन निकलते हैं वो सब पसंद हैं अच्छे हैं और जब तक हैं तब तक इसका सही प्रयोग करना चाहिए और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं जब तक हैं तब तक प्रयोग कर लो. तो मैं समझता हूँ वो भी दिन प्यारे थे और अभी के दिन भी प्यारे हैं. एक क्वेश्चन राजू भाई दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से आपने दादियों के साथ अपना एक्सपीरियंस बताया मगर आपका पर्सनल स्पेशल एक्सपीरियंस बाबा के साथ क्या रहा. डायरेक्ट जब अव्यक्त बाप दादा आए और दूसरा आपकी अपनी मेडिटेशन के अंदर कोई स्पेशल एक्सपीरियंस हो तो वो शेयर कीजिए. ऐसा है कि ड्रामा अनुसार मुझे तो बाबा के अंग संग बैठने का अव्यक्त रूप में बहुत अच्छा पार्ट मिला क्योंकि यीशु दादी पहले लिखती थी बाबा के साथ और बाबा रात भर रहते थे. तो यीशु दादी की भी एज बड़ी हो रही थी और वो भी कब तक लिखेंगी. तो इसलिए वो मुरली जो पूरा रात बाबा बोलते थे वो लिखना बंद हो गया था. तो दीदी ने मुझे खास ये सेवा दी कि जब बाबा आते हैं तुम साथ साथ बैठो. तो शाम को मैं 7 बजे 6:30 बजे तैयार होकर बैठता था और बाबा अगर 12 घंटे बैठे हैं जैसे आज की मुरली में है सुबह 6 बजे सतगुरुवार के दिन मुझे वो दिन याद आता है. दादी जी जब विदाई देने के लिए 6 बजे आई तो बाबा को बोला बाबा आज गुरुवार है आपको भी विदाई दे रहे हैं फिर सब तैयार होके आएंगे फिर भोग लगाएंगे फिर मुरली चलाएंगे. तो बाबा बड़ा मुस्करा करके बोला बच्चे बाप तो यहाँ आया हुआ है बैठा है जो भोग बनाया ले आओ अभी भोग फिर दोबारा क्यों लगाएंगे. तो ऐसी बात रमणीक थी. तो उसी समय बाबा फिर मिलता रहा दृष्टि देता रहा फिर जो भोग बना था वो भोग आया बाबा को दादी ने अपने हाथ से खिलाया और खिलाने के बाद फिर बाबा विदाई लेके 8:30 बजे गए. तो ड्रामा अनुसार ऐसे दिन बहुत प्यारे थे और कई ऐसे अनुभव हुए बाबा के साथ कैसे बाबा एक रस है अचल है एक स्थिर है कोई के गुण अवगुण जैसे बाबा के ऊपर आते नहीं है. तो बहुत अच्छे बाबा के साथ के अनुभव हुए. और जब योग में बैठता हूँ तो मुझे योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती. कभी मैं ये नहीं सोचता हूँ मुझे आज बहुत भारी हो गया हूँ योग लगेगा या नहीं. मैं कई बार जब बाबा के कमरे में जाता हूँ पहले तो दादी जी बहुत एक्टिव रही हैं 2003
2003 तक सब बातें, सब डायरेक्शंस मुझे लिखाती थी, सब बातें कहती थी, ये करो ये करो ये करो। उसके बाद दादी जी के अव्यक्त होने के बाद दादी जानकी जी ने कहा, तुम जो करते थे करते रहो, मैं कोई करेक्शन नहीं करूंगी, दादी ने जो तुमको सिखाया है तुम करो। अब मैं कैसे करूं, अभी 18 जनवरी के डायरेक्शन क्या जाने चाहिए, जनवरी का पुरुषार्थ क्या जाना चाहिए, मम्मा डे पर क्या होना चाहिए, शिवरात्रि पर क्या होना चाहिए, बहुत सारी बातें थी जो दादियां हमको गाइड करती थी। अभी मैं बाबा के कमरे में जाता हूँ, बैठता हूँ, बाबा आपको कुछ कहना है, कुछ टच करो, क्या करना है मुझे। तो सचमुच मेरे को ऐसे अनुभव होता है, अभी यज्ञ को बाबा चला रहा है। पहले दादियां चलाती थी बाबा को साथ लेकर के, अभी अपने आप ऐसी टचिंग आती है, बच्चे ये कर लो ये कर लो, ऐसे करो ऐसे करो। तो मेरा तो ऐसे लगता है कि मैं अपनी बुद्धि को बहुत क्लीन रखूं, कोई भी प्रकार का इसमें इधर उधर की बातों का, व्यर्थ बातों का कोई संकल्प नहीं है। मैं तो बाबा के सामने ऐसे बैठता हूँ, लाइन क्लीन करके बैठ जाता हूँ, बाबा आपको जो कहना है कहो, जो लिखाना है लिखाओ, जो कहोगे मैं कर दूंगा। और सचमुच कई बार मुझे ऐसे अनुभव होते हैं जैसे डायरेक्ट बाबा कुछ न कुछ कह रहा है, और अगर मैं कैच नहीं कर पाता हूँ, वहां से उठ करके ऑफिस तक आता हूँ, कंप्यूटर तक आता हूँ, कोई ना कोई बहन या भाई सामने से फोन कर देता है, राजू भाई ये अभी तक डायरेक्शन नहीं आया, प्रतिज्ञाएं नहीं आई, अभी ये नहीं हुआ। ऐसे लगता है जैसे बाबा ने वहां टच किया, मैंने नहीं कैच किया, लेकिन बहन ने सामने से फोन कर दिया। तो ऐसे कई अनुभव होते हैं कि यज्ञ बाबा का है, करण करावान हार बाबा है, अपने बच्चों को निमित्त बना के करा रहा है, और जो उसको कहता है बुद्धि क्लीन रखो, साफ रखो, लाइन क्लियर रखो, मैं अपने आप सब कुछ करा लूंगा। तो वर्तमान समय स्थापना का कार्य बाबा डायरेक्ट खुद कर रहा है, करा रहा है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। आप सभी ने पूछना है, आप सभी ने अंडरलाइन करना राजू भाई ने जो कहा है ना, कि करामर कौन है, बाबा है ना। तो कोई भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का जैसे संशय बुद्धि नहीं आनी चाहिए, होगा ना। डोंट कम इनटू एनी काइंड ऑफ डाउट। अभी चालू हुआ, नहीं विवेक का ही आवाज आता, और कोई का नहीं आता। So, राजू भाई, गीता बहन बोल रही है सबको कि जो राजू भाई, गीता बहन बोल रही है, गीता बहन बोल रही है कि सबको बोल रही है कि जो अभी राजू भाई ने इंस्ट्रक्शन दी है कि बाबा करा रहा है डायरेक्टली, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब उसी तरीके से समझे और सोचे कि बाबा की इंस्ट्रक्शन से अब चल रहा है, मेरे को अपनी बुद्धि क्लीन और क्लियर रखनी है जैसे राजू भाई बता रहे हैं। तो ये सभी सभी को इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, ओके, ओम शांति करें। बस फ्यू मिनट्स आप योग करा के फिर ओम शांति करते हैं। चलो 2 मिनट योग कर, आप गाइड करना। 2 मिनट योग कर रहे हैं, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ, 2 मिनट योग करके पूरा कर दे। आप भाई साहब, आप कुछ शब्द बोलना, गाइड करना योग के लिए, और आप लीड करना, ठीक है, 2 मिनट योग।
अभी सभी राजू भाई को एक हाथ से ओम शांति कहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति राजू भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।